तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कोई भी वेबसाइट हो या HTML, CSS एंड JavaScript का प्रोजेक्ट हो, उसे आप एक वर्किंग मोबाइल एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी फुल्ली कस्टमाइजेबल, जिसमें आप उसके नेम, पैकेज नेम और आइकन को अपने हिसाब से रख सकते हैं और उस पर कलर थीम भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ तक कि आप उस पर गूगल एडमोब के एड्स को भी अप्लाई करके अर्निंग कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा और साथ में आपको क्या क्या रिक्वायर्ड रहेगा यह भी बताऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो हम आ गए हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको आ जाना है अपने ब्राउजर पर और सर्च बार पर आकर सर्च करना है जावा फॉर विंडो। इसके बाद ही फर्स्ट नंबर वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है, डाउनलोड जावा फॉर विंडो। इसके बाद यहाँ डाउनलोड जावा पर क्लिक करना है और जावा की GVM फाइल या सेटअप फाइल को अपने सिस्टम में डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड एंड इंस्टॉल करके रखा हुआ है, अब इसका यूज तो कुछ नहीं है, बस ये आपके बैकएंड में काम करेगा। अब जिस सॉफ्टवेयर को हम यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट को या आपकी वेबसाइट को APK में कन्वर्ट करने के लिए, उसमें ये सॉफ्टवेयर का काम होगा, वो भी बैकएंड में, तो इसे इंस्टॉल कर लेना है, नहीं तो आपको एरर प्रॉब्लम शो करेगी। इसके बाद आपको सेकंड फाइल की जरूरत पड़ेगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, एक जिप फाइल रहेगी जिसमें हमारा वेबसाइट टू APK बिल्डर सॉफ्टवेयर रहेगा, ऐसी आपको जिप फाइल देखने के लिए मिलेगी, इसको सिंपली एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक फोल्डर मिलेगा, इस पर आपको 3 फाइल्स देखने के लिए मिलेंगी, आप इसे इग्नोर करना है, ये रीडमी पासवर्ड वाली, इसमें कोई भी पासवर्ड नहीं है, बस ये डाल दी है मैंने अपने से, और एक करेक्ट सॉफ्टवेयर है, मतलब इस पर आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ेगा, इस पर आपको सारे फीचर्स अनलॉक मिलेंगे। अब यहाँ पर बहुत से लोग इंस्टॉल करने में मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पर आपको 2 सॉफ्टवेयर मिलते हैं, एक लॉन्चर है एक इंस्टॉलर है, तो सबसे पहले आपको इंस्टॉलर को रन करना है ना कि लॉन्चर को। अब इसका यूज़ क्या है इसे मैं आगे बताऊँगा। तो सबसे पहले हम इंस्टॉलर को रन करके इसकी सेटअप फाइल को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। इंस्टॉल हो जाने के बाद यहाँ से आपको डायरेक्ट लॉन्च नहीं करना है, अगर आप यहाँ से लॉन्च कर देंगे तो आपको जो भी इस सॉफ्टवेयर का प्रीमियम फीचर्स हैं वो अनलॉक नहीं मिलेंगे और आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ सकता है, तो इसे अनटिक रह लेना और इसे फिनिश यहाँ से कर देना है। अब यहाँ पर इंस्टॉल हमारा हो गया सॉफ्टवेयर, बट इसके लॉन्चर को यहाँ से रन नहीं करना है, आपको यहाँ से इसे डिलीट कर देना। अब जो लॉन्चर ये वाला है इसे आपको लॉन्च करना है, अगर आप इसे लॉन्च करेंगे जो ये है, तो आपको यहाँ पर फीचर्स अनलॉक नहीं मिलेंगे, तो मैं आपको यहाँ पर रन करके दिखा दे रहा हूँ प्रूफ के लिए। तो आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है और यहाँ पर हमें अगर फीचर्स को अनलॉक करना है तो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट की अप्लाई करनी होगी, जिसके लिए हमें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तो इसे यहाँ से क्लोज करते हैं और जो हमारा करेक्ट लॉन्चर है इसे रन करते हैं। तो अब हम लॉन्चर को जैसे ही रन करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, जैसे कि हमारी वो सब्सक्रिप्शन की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है, लेकिन ये प्रॉब्लम आ रही है कि सॉफ्टवेयर ओपन नहीं हो रहा है, तो आप इसका भी सोल्यूशन जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जो शॉर्टकट इंस्टॉल किया है, ये सेटअप फाइल इंस्टॉल की है, यहाँ पर आना मोर पर आना और इसकी यहाँ पर हमें ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक करना है, इसकी फाइल लोकेशन पर चले जाना है जहाँ पर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। इसके बाद यहाँ से हमें राइट क्लिक करना, ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक करना, ये फाइल लोकेशन ओपन होकर आ जाएगी। अब जो हमने शॉर्टकट यहाँ डेस्कटॉप पर रखा था वो इसकी इंस्टॉल फाइल लोकेशन पर पेस्ट कर देना है और साथ में रिप्लेस भी कर देना है, लॉन्चर है वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। अब इस फाइल को रन करेंगे जो हमने रिप्लेस की है या पेस्ट की है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे फीचर्स अनलॉक हो गए हैं, यहाँ पर आपको कोई भी अब सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ेगा, आप चाहे जितना भी यूज़ कर सकते हैं अनलिमिटेड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब हम अपना एक ऐप भी बिल्ड करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने ऐप का नेम देंगे, तो मैं यहाँ पर इसका नेम टूडो ऐप दे देता हूँ। इसके बाद यहाँ पैकेज नेम जो भी देना चाहे आप दे सकते हैं, इस पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, वर्जन यहाँ डालना चाहे तो डाल सकते हैं। और ऑटो रोटेट पोर्ट्रेट लैंडस्केप, यहाँ पर हम पोर्ट्रेट करेंगे और यहाँ से हम आउटपुट डायरेक्टरी को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर हमारी APK फाइल बिल्ड होकर आ जाएगी। हम यहाँ डेस्कटॉप लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे, अबाउट ऐप, तो आप अब अपने ऐप का अबाउट लिख सकते हैं, जब कोई शेयर करे तब क्या टेक्स्ट आना चाहिए और जब कोई एग्जिट करे तब क्या टेक्स्ट लिख कर आना चाहिए, वो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। और यहाँ वेबसाइट टू टाइप
टू कन्वर्ट, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, लोकल HTML वेबसाइट और वेब URL। साइट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो आप यहाँ पर उसका URL इंटर करके अपनी वेबसाइट को APK फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई HTML, CSS एंड JavaScript का प्रोजेक्ट है तो यहाँ लोकल HTML वेबसाइट को सिलेक्ट करना। मैं यहाँ पर लोकल HTML वेबसाइट को सिलेक्ट करूँगा बिकॉज़ मेरा प्रोजेक्ट ये रहा, जो एक टूडो ऐप है मैंने ऑलरेडी इसे बनाया हुआ है, आपको मैं रन करके दिखा दे रहा हूँ उसका आउटपुट। ये रहा हमारा ऐप, इस पर हम बेसिकली अपने डेली टास्क को ऐड कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अब इसे हम एक वर्किंग मोबाइल एप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे। मेक श्योर आपके जो भी HTML का प्रोजेक्ट है उसका नेम index.html ही होना चाहिए, नहीं तो आपको एरर फेस करना पड़ सकता है, तो ये मेक श्योर कर लेना। तो हमारा तो यहाँ पर लोकल HTML वेबसाइट है, यहाँ से हम इस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे, डेस्कटॉप पर है, यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ये रहा डेस्कटॉप, और यहाँ से हम इस टूडो ऐप फोल्डर को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये सिलेक्ट हो गया है। अगर आपकी फाइल का नेम index.html नहीं होगा तो एरर दिखेगा। इसके बाद यहाँ पर आप चाहे तो ऐड भी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी चैनल पर बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हैं, सेकंड चैनल पर आपको वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी इस सॉफ्टवेयर के बारे में। बेसिकली मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये था आपको बताना कि ये सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ कर सकते हैं, सही तरीके से कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है बट फिर भी आपको थोड़ा सा गाइड कर दिया। इसके बाद यहाँ से आप अपने ऐप की थीम को चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर और भी फीचर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर आप ऐप आइकन भी लगा सकते हैं, फिलहाल पे मेरे पास कोई आइकन शायद हो, ये रैंडम आइकन मैं अप्लाई कर देता हूँ अपने ऐप पर। कैशी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हम यहाँ पर हाईली कैशी सिलेक्ट करेंगे जिससे कि हमारी ऐप थोड़ी फास्ट लोड होगी। सपोर्ट जूम बटन यहाँ इसे ऑफ रखेंगे, सपोर्ट जूम को बंद कर देंगे, फुल स्क्रीन खोल लेंगे, सेफ फ्रॉम डाटा इसे सिलेक्ट रहने देंगे, HTTP ओनली कंटेंट इसे बंद कर देंगे, और ये कि यहाँ से हमें अलाउ फाइल एक्सेस इनेबल होगा तो आपको इसे डिसेबल कर देना है, होम बटन को डिसेबल कर देंगे। इसके बाद यहाँ कस्टमाइज ऐप परमिशन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर अगर आपका कोई ऐप लोकेशन की परमिशन लेना चाहता है आप कैमरे की तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, वैसे हमारा टूडो ऐप है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम इसे अनचेक कर देते हैं, और वाइब्रेट रखना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो रहने दें, और ऑडियो का रहने देंगे हम, और फाइल परमिशन तो ज़रूरी है तो इन्हें टिक ही रहने देना है। अब इसके बाद हम एक PK फाइल को बिल्ड करते हैं, सो यहाँ पर आप बिल्ड एंड्रॉयड APK पर क्लिक करेंगे तो हमारी APK फाइल बिल्ड होगी। अगर यहाँ बिल्ड ऐप बंडल पर क्लिक करेंगे तो आप प्ले स्टोर पर पब्लिश करने के लिए बंडल बिल्ड कर सकते हैं, फिलहाल हम यहाँ पर APK फाइल बिल्ड करेंगे, सो बिल्ड एंड्रॉयड APK पर क्लिक करेंगे, इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे, सो हमारी APK फाइल जर्नेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसमें अप्रॉक्स 102 मिनट का टाइम लग जाएगा तो वेट कर लेते हैं। तो हमारी APK फाइल सक्सेसफुली जर्नेट हो गई है, यहाँ फिनिश पर क्लिक करेंगे, कैंसिल, यहाँ से सॉफ्टवेयर को क्लोज कर देंगे, और ये रही हमारी APK फाइल सक्सेसफुली बिल्ड हो गई है। अगर आप यही काम मोबाइल पर करना चाहते हैं बेसिक फीचर्स के साथ, जिसमें आप अपने ऐप का नेम, पैकेज नेम और अपनी वेबसाइट की URL को इंटर करें, उसके बाद जनरेट बटन पर क्लिक करेंगे सो आपके लिए APK फाइल जनरेट होकर आ जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं, ये मेरा सेकंड चैनल है, तो ऐसी कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।